अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी तक हमने मुख्तलिफ फील्ड्स जैसे कि मेडिकल, बिजनेस, ई कॉमर्स, एयरलाइन सिस्टम्स, वेदर फोरकास्टिंग, इंडस्ट्रीज और होम्स में कंप्यूटर को किस तरह से यूज करके इन तमाम फील्ड्स में एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाया जाता है ये देखा था। और आज के लेक्चर में हम और दूसरी फील्ड्स जैसे कि एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट, आर्ट्स के इदारों में किस तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है उसकी डिटेल्स देखेंगे। और याद रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सिर्फ किसी एक बुक को फॉलो नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम ICS पार्ट 1 की बुक्स को कवर कर रहे हैं, तो अभी तक जो टॉपिक्स हमने आपके चैप्टर 4 में पढ़ाए हैं वो तमाम बुक्स में मौजूद थे। लेकिन आज से हम जिन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंध टेक्स्ट बुक में ही मौजूद है। तो आइए फिर अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली फील्ड है इस सिलसिले में वो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। दोस्तों, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स इस तरह के सिस्टम्स होते हैं जिनके जरिए आप किसी भी वक्त इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, मजीद इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, कंप्यूटर्स आर एक्सीलेंट टूल्स फॉर मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी अब तमाम ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर के जरिए ही अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज करती हैं। दोस्तों, पहले जब कंप्यूटर नहीं थे तो कागज पर तमाम इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना होता था। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको रजिस्टर्स पर मैनेज किया जा रहा है, और कोई स्टूडेंट स्कूल से चला गया तो उसके नाम को कागज या रजिस्टर्स में से काटना पड़ेगा, जिसकी वजह से कागज खराब होगा। इसी तरह उस रजिस्टर में किसी के नाम में कोई तब्दीली करनी होगी, यानी मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो भी एक मुश्किल मरहला होता था। यानी कागज पर तमाम कामों को मेंटेन करना निहायत ही मुश्किल होता था। लेकिन कंप्यूटर के जरिए सेकंड्स में एक क्लिक के जरिए आप कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के जरिए किसी भी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना कोई बड़े मसले की बात नहीं। इसीलिए अब एयरलाइंस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और भी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर के जरिए ही ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज करती हैं। दोस्तों, याद रखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम 5 चीजों से मिलकर बनता है, जिनमें सबसे पहली चीज है हार्डवेयर। दोस्तों, हार्डवेयर जो कि है आपका कंप्यूटर, और ये हार्डवेयर तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होगा। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर की जगह कोई और हार्डवेयर यूज होगा इंफॉर्मेशन मैनेज करने के लिए। नहीं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर ही वो हार्डवेयर होगा जिसके जरिए इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जा रहा होगा। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सॉफ्टवेयर हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग होगा। अगर हॉस्पिटल का कोई सॉफ्टवेयर है तो उसमें तमाम फीचर्स हॉस्पिटल से रिलेटेड होंगे। अगर एयरलाइन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है तो तमाम फीचर्स उसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही होंगे। और तीसरा कंपोनेंट है पीपल, यानी के लोग जो के उस मैनेजमेंट सिस्टम्स को बनाएंगे और वो लोग जो के उस सिस्टम को यूज करेंगे। और चौथी चीज है प्रोसीजर, यानी वो तमाम प्रोसेसेस, फंक्शनैलिटीज जो के आपका सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा। और लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटा, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अपना डेटा होगा, और उस डेटा के बिना पर ही उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। अगर कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें स्टूडेंट्स के नेम, टीचर्स के नेम, फीस, अटेंडेंस, रिजल्ट वगैरह, ये तमाम डेटा होगा। और इस डेटा को जब उस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में इनपुट दिया जाएगा तो वो मैनेजमेंट सिस्टम उस डेटा को कन्वर्ट करेगा इंफॉर्मेशन में जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, और उस डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करने के लिए बनाए जाते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों, ये वो 5 चीजें थी जिनसे मिलकर किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है जिसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल आम है वो है कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन के मायने होते हैं दो लोगों के दरमियान बातचीत का होना, या ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी दो चीजों के दरमियान डेटा का तबादला होना। वो डेटा वॉइस भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियोस हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जब कंप्यूटर नहीं थे तो
तो हमारे पास दूर दराज अपने रिश्तेदारों से कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही जरिया था, वो थे खत, जिसके जरिए हम सिर्फ टेक्सचुअल डेटा को ही एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। फिर आ गए टेलीफोन्स, जिनके जरिए हम सिर्फ आवाज को ही कम्युनिकेट करवा सकते थे। और फिर आ गए कंप्यूटर्स और उसके साथ इंटरनेट। और फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक इस तरह का पावरफुल कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके जरिए हम टेक्स्ट, आवाज, वीडियोस, तस्वीरें, यानी हर तरह का डाटा इन इस कंप्यूटर के जरिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भेज सकते हैं। और दोस्तों, ईमेल्स, सोशल मीडिया चैट्स, वीडियो कॉल्स, ये इसकी बेहतरीन मिसालें हैं जिनके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाई जा रही होती है। और इसका मेन कंपोनेंट है जिसके जरिए ये तमाम चीजें पॉसिबल हुई हैं, वो है आपका कंप्यूटर। इसके बाद जो अगली फील्ड है वो है एंटरटेनमेंट एंड एजुटेनमेंट। दोस्तों, कंप्यूटर के जरिए ना सिर्फ आप अपनी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, बल्कि ये एंटरटेनमेंट का भी बेहतरीन जरिया है, क्योंकि अब कंप्यूटर में गेम्स आ जाने के बाद, गेम्स आ जाने की वजह से अलग अलग गेम्स के जरिए ना सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ती है बल्कि आपकी जहानत भी बढ़ती है और आपको मजा भी आता है, क्योंकि अब मुख्तलिफ किस्म के 3D गेम्स आ गए हैं जिनके जरिए आपको लगता है कि आप एक्चुअल में उस गेम में मौजूद हैं। जैसे कि एक गेम है साइबर स्पेस, जिसमें आप एरोप्लेन्स को चला रहे होते हैं एज अ पायलट, यानी इससे ना सिर्फ आपको नॉलेज में इजाफा होगा कि किस तरह एक पायलट को मुख्तलिफ किस्म के हर्डल से गुजरना होता है, साथ के साथ हर लेवल को कंप्लीट करने के बाद आपको अचीवमेंट यानी कुछ हासिल करने का भी एहसास होता है। और इस तरह कंप्यूटर एजुटेनमेंट के साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी बेहतरीन जरिया है। इसके बाद जो अगली फील्ड है जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है एनर्जी। दोस्तों, जितनी भी एनर्जी कंपनीज हैं जो कि मादनी वसाइल को सर्च करती हैं, ढूंढती हैं, वो भी मुख्तलिफ सेंसर्स और कंप्यूटर के जरिए ये मालूम करती हैं कि जमीन में किस हिस्से के नीचे वसाइल हैं, जैसे कि तेल, कोयला, गैस वगैरह। इसके अलावा आजकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी मीटर्स को भी हैंड हेल्डेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस के जरिए चेक किया जा रहा है और इससे ये पता लग जाता है कि कितनी बिजली यूटिलाइज हुई है। यानी अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनर्जी कंपनीज, इलेक्ट्रिकल कंपनीज कंप्यूटर को इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा मनी, यानी दोस्तों कंप्यूटर के जरिए अब हमारे पैसों की सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है। पहले हम लॉकर्स में पैसों को सेव करते थे जिसके जरिए पैसों के चोरी हो जाने का खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन अब कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग सिस्टम्स के जरिए पैसों को महफूज करना, सिक्योर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा आर्ट की फील्ड में, दोस्तों कंप्यूटर की वजह से आर्ट की फील्ड में भी बला का इनकलाब आया है। इसके जरिए न सिर्फ आर्टिस्ट बल्कि एनिमेटर्स, फोटोग्राफर्स और सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर को यूज किया जाता है। दोस्तों, अब ज्यादातर आर्टिस्ट पहले कंप्यूटर पर तस्वीरों को डिजाइन करते हैं, फिर उन्हें रियल में ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से अक्सर मुजस्मा साज यानी मुजस्मों को बनाने वाले किसी भी एक्चुअल स्कल्प्ट को बनाने से पहले कंप्यूटर में उसका मॉडल तैयार करते हैं। और दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्रीज में अक्सर हॉलीवुड मूवीज कंप्यूटर के यूज के बिना बन ही नहीं सकती थी, जिस तरह मूवीज में अर्थक्वेक दिखाना, जहाज को समंदर में डुबाना, स्पेस वगैरह के स्पेशल इफेक्ट्स कंप्यूटर के बगैर हो ही नहीं सकते थे। इसीलिए अब ज्यादातर फिल्म स्कूल्स डिजिटल स्पेशल इफेक्ट्स लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्ट की फील्ड में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि असल में ये फिल्म किस तरीके से ग्रीन पर्दे के जरिए बनाई जा रही है और फिर इसमें कंप्यूटर के जरिए स्पेशल इफेक्ट्स डाले जा रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम मूवीज में स्पेशल इफेक्ट्स डाले जाते हैं, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, समंदर के अंदर मौजूद हो, और भी दूसरी मूवीज जैसे कि जुरासिक पार्क, टॉय स्टोरी, गॉडज़िला जैसी मूवीज इन स्पेशल इफेक्ट्स के बगैर बन ही नहीं सकती थी। तो दोस्तों, ये था आर्ट की फील्ड में कंप्यूटर की यूजेस। अगली फील्ड है गवर्नमेंट। दोस्तों, वैसे तो गवर्नमेंट के तमाम इदारों में कंप्यूटर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो ही रहा है, लेकिन जो सबसे मेन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जिसका नाम है नागरा, अब वो भी पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया है। यानी आपके NICs, टैक्स डॉक्यूमेंट्स, इमिग्रेशन,
सब कंप्यूटर के जरिए ही परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट फील्ड है जिसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है वो है एग्रीकल्चर। दोस्तों अभी तक हमने जो तमाम फील्ड्स देखी वो शहरी इलाकों से वाबस्ता थी, जबकि एग्रीकल्चर यानी जरात खेती बाड़ी ये जो फील्ड है ये आमतौर पर गाँव देहातों से वाबस्ता होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब एग्रीकल्चर की फील्ड में भी कंप्यूटर को यूज किया जा रहा है। दोस्तों पहले लोग बैलों के जरिए खेती बाड़ी करते थे, अब मुख्तलिफ मशीनरी ट्रैक्टर्स के जरिए करते हैं। और दोस्तों एग्रीकल्चर में सिर्फ फार्मिंग या खेती बाड़ी पर फोकस नहीं करना होता, बल्कि क्लाइमेट कैसा रहेगा, उसका इम्पैक्ट फार्म्स पर क्या पड़ेगा, कब बारिश होगी, कब मौसम का हाल कैसा रहेगा, इसका भी ख्याल रखना होता है। तो इसीलिए फार्मर्स को इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर उनको सिखाए जाते हैं जो उन्हें ये बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, जिसकी बिना पर वो अपनी फसलों को काटते हैं और बोते हैं। और दोस्तों आजकल जब हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, तो इसके जरिए फार्मर्स प्रॉफिट और लॉस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट फैसिलिटी की वजह से फार्मर्स और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एग्रीकल्चर रेशो को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जिंदगी का कोई ऐसा शोभा नहीं है जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आप जहाँ कहीं भी नजर दौड़ाएंगे आपको हर जगह कंप्यूटर आम नजर आएगा। और दोस्तों अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान में भी तमाम इंडस्ट्रीज तमाम कंपनीज में कंप्यूटर को फरोग दिया जा रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज कराए जा रहे हैं। ऑनलाइन यानी घर बैठे आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से रोजगार को हासिल कर सकते हैं ये भी सिखाया जा रहा है। और अलग अलग फील्ड्स जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और दूसरी फील्ड्स से रिलेटेड कोर्सेज भी फ्री में कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। अगले लेक्चर में हम इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे, यानी एक कंप्यूटर के आ जाने के बाद लोगों की जिंदगी में इसका क्या असर हुआ है, और इसका ना सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे बल्कि नेगेटिव इंपैक्ट भी देखेंगे।